सचिन देव बर्मन का विशिष्ट पहलू यह था कि शास्त्रीय आधारित रचनाओं को भी उन्होंने मेलोडी और माधुर्य की संरचना के अंदर ही रखकर प्रस्तुत किया। दादा की कोशिश रहती थी कि भले ही रचना का आधार शास्त्रीय हो पर उसका रूप ऐसा बने कि राह चलता आदमी भी उसे आसानी गुनगुना सके। उनके गीतों को 60 से 70 साल हो गए हैं लेकिन आज भी वे फीके नहीं पड़े हैं और आज भी उन गानों को गुनगुनाने का दिल करता है। बर्मन दादा एक शाही परिवार से थे। इनके दादा त्रिपुरा स्टेट के राजा थे। इस परिवार में जन्म लेने के बाद भी वे संगीत की दुनिया में कैसे आए सुनते हैं उनकी जुबानी। एक बहुत ही बूढ़ा किसान जिसका नाम था दुखई खंडकार एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया ये गीत भी मेरे साथ जवान होता गया और मेरे अंदर संगीत सीखने की अभिलाषा जगती गई। ये लोकगीत था लेकिन भावना से भरपूर। इस गीत ने मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया और मैं 7 सालों के इस महासागर में कूद पड़ा। रंगीला 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 रे रंगीला अरे रंगीला 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 रे आमर छड़िया रे बंधु कोई कोई गला रे बंधु रंगीला 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 रे रंगीला। आइए अब सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी साहब से कि वह शायर कैसे बने। कि मेरे घर में इल्म का कोई माहौल था नहीं लिहाजा शायर होना या गवैया होना हमारे यहाँ बहुत मायूस समझा जाता था। तो इल्म का कोई चर्चा ही नहीं हमारे खानदानों में। तो खुद शेर हम कहते इसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था इसलिए मुझे याद नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि बचपन में 2-2.5 साल का था मैं तो एक फोक गाना है जो बहुत मशहूर था वो कि छतवा दैले रे सांवरिया घेरी आई बदरी। तो मैं गाया करता था। अब देखिए उसमें राइम सेंस मुझ में शायद था इसलिए मैं इस तरह गाया करता था छतवा दैले रे सांवरिया घेरी आई रे बादरिया। तो कोई अगर टोकता था कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बादरी नहीं नहीं बादरी कैसे होगा सांवरिया है तो बादरिया होगा। ये शायद हमारे नेचर में पहले से कहीं से था। तो हम टेक्स्ट बुक हमारे मास्टर पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल के कभी वो मिसरा गैर मौजूद पढ़ते तो मैं ठीक करता था कि मास्टर ऐसे नहीं ऐसे कहिए ये तो मुझे याद। दादा बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी का संगम हिंदी फिल्म संगीत में माधुर्य का एक नायाब मेल था। इन दोनों ने मिलकर लगभग 25 फिल्मों में काम किया और एक से एक बेहतरीन गाने दिए। भोलेपन की हद तक वो इस किस्म के आदमी थे और उनके साथ हमें उनके बहसियत म्यूजिशियन वो एक ऐसा स्कूल क्रिएट कर गए कि जो अपने साथ लेकर चले गए उसको फिर दोहराना बड़ा मुश्किल हुआ। पहली बार दोनों ने एक साथ 1950 की फिल्म प्यार में काम किया फिर उसके बाद 7 साल के बाद 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट में काम किया। पेइंग गेस्ट में 6 गाने थे और सभी हिट रहे। इनमें चांद फिर निकला या माना जनाब ने पुकारा नहीं या किशोर और आशा भोसले का ये गाना छोड़ दो ये आंचल जमाना क्या कहेगा इमॉर्टल बन गए। इस गाने के बनने के बारे में सुनते हैं खुद मजरू साहब से। मजरू लड़की को लड़का छेड़ता है ना उसका मैं 1 मीटर बनाया तो मैंने कहा दादा बताइए क्या मीटर है बोले ता तरत्ता ता तरत्ता तरत्ता। तो मैंने कहा अच्छी बात है मैं लिखता हूँ। तो फिर मैंने उस पर लिखा था छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा इस पर मैंने बोल बिठाया था। साल आई नवकेतन की 9-2-11 जिसके गानों ने भी धूम मचा दी थी जैसे किशोर आशा का डुएट आंखों में क्या है जीरो पहला बादल या फिर किशोर कुमार का सुपर हिट सोलो गीत हम हैं राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए या मोहम्मद रफी आशा का आजा पंछी अकेला है। राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए हम है राही प्यार के हम...
हमसे कुछ न बोलिए। सन 1958 में इन दोनों की 5 फिल्म रिलीज हुई जिनके गानों ने धूम मचा दी थी। ये फिल्में थी चलती का नाम, गाड़ी काला पानी, लाजवंती सितारों से आगे और 16 साल। 1959 में रिलीज हुई 3 फिल्में सुजाता और कागज के फूल के गाने कैसे भुला पाएंगे। दादा बर्मन और मजरू की जोड़ी ने 60s के दशक में एक से बढ़कर एक गाने दिए जिनमें फिल्म बम्बई का बाबू बात, एक रात की 3 देवियां, ज्वेल थीव तलाश, अभिमान के गाने सदा याद रहेंगे। आइए देखते हैं इन दोनों के कुछ सदाबहार गीत। नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, गुस्से में बन के चल दिए तन के, बल्ला जवाब तुम्हारा नहीं। आय हाय माना जनाब ने पुका, पंछी अकेला है, ओ सोया इंडिया के बिल्ला है, ओ आजा पंछी भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिले अजनबी से कोई आगे न पीछे, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हम बेखुदी में तुम को पुकारे चल गए हम, जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत में। बिछड़े सभी बिछड़े सभी बारी बारी, साथी न कोई मंजिल दिया है न कोई महफिल, चला मुझे लेके ऐ दिल अकेला कहाँ। दीवाना मस्ताना हुआ दिल जाने कहाँ, होके बाहर आई हो जाने कहाँ, होके बाहर आई हम जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना, मैंने ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। ना मिला इतना मिला रे मन का, तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये रहना। मजरू सुल्तानपुरी ने आरडी बर्मन के साथ 80 के लगभग फिल्में की पहली फिल्म थी नासिर हुसैन की तीसरी मंजिल। इस फिल्म के बाद से राहुल देव बर्मन एक एस्टैब्लिश्ड संगीतकार बन गए थे। आइए सुनते हैं
क्या कहते हैं मजरू साहब आर डी बर्मन के बारे में? हालांकि पंचम को सरोद का इल्म था, बाकायदा राग रागिनी का इल्म था, ये नहीं कि वो जानता नहीं था। तबला बहुत अच्छा बजाता था, वो मौसारण बहुत अच्छा बजाता था, बल्कि सुजाता फिल्म में दो तीन जगह बैकग्राउंड में या गाने में भी बजाए उन्होंने। यंग जनरेशन में आर डी बर्मन एक स्कूल है, सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, एक स्कूल का नाम है जिसको हर ये जितने यंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं कॉपी करना और उससे इंस्पिरेशन लेना अपने लिए फख्र की बात समझते हैं। आइए देखते हैं इन दोनों के चुनिंदा गाने। सपने बिखर के जले मन में तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।